सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। वेलकम टू एडी एजुकेशन, मैं हूं अमित दीक्षित। आप इस समय देख रहे हैं ये वीडियो सीरीज जो कि है कोर्स 504 और कोर्स 505 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज, जहां पर महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए जा रहे हैं NIOS और DLED के 504 और 505 कोर्स के लिए। तो अब तक आपने अगर पहले के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर नहीं देखे हैं अलग अलग इकाइयों के, तो उन्हें ज़रूर देखिए। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिलेगी, साथ में इंपॉर्टेंट जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, तो वो भी आप ज़रूर देखिए 504 और 505 के। तो आज इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं अगले इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्न। अभी हम कोर्स 505 का यहाँ पर ब्लॉक 1 की इकाई 2 के प्रश्न को हम बताएंगे, यहाँ पर जानेंगे और उनके उत्तर मैं आपको यहाँ पर साथ में बताऊँगा। तो चलते हैं 505 कोर्स के ब्लॉक 1 की इकाई 2 यानी यूनिट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ और उनके उत्तरों की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं पहले तीन प्रश्न ले रहा हूँ। यहाँ पर जो प्रश्न आपको दिए गए हैं वो रिक्त स्थान के फॉर्मेट में है, लेकिन आप इसको ये आपको किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, वैकल्पिक प्रश्नों के तौर पर यानी कि ऑब्जेक्टिव MCQ के टाइप में। तो इस टाइप के प्रश्नों को भी आप यहाँ पर तैयार कर लें। कुछ क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्टिव बताऊँगा यहाँ पर और इसके आंसर्स बताने जा रहा हूँ। तो पहले तीन प्रश्न इस प्रकार हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। पहला है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा पर्यावरण विज्ञान से निकाली जाती है, इसलिए यह डैश विषय का क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हमको बताना है। तो यहाँ पर संयुक्त, एकल और त्रिगुण तीन यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो एक तरह से ये MCQ बनाया जा सकता है। अभी यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में दिया गया है ये प्रश्न, तो इसका आंसर होगा संयुक्त। संयुक्त विषय के क्षेत्र के रूप में ये बनाया जा सकता है, पहले प्रश्न का आंसर ये होगा। दूसरा प्रश्न है, संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चे का विकास है, तो कौन सा विकास है, यानी कि शैक्षिक, भावात्मक, कौशल, चहुमुखी विकास। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको जो आंसर रहेगा वो आपको लगाना होगा। ये एक MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर चहुमुखी विकास। तो सेकेंड नंबर के प्रश्न का आंसर यह होगा, संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चे के विकास का चहुमुखी विकास है। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये रहेगा। और तीसरा प्रश्न हम लेते हैं यहाँ पर, जो कि अगेन एक ऑब्जेक्टिव ही टाइप का क्वेश्चन है। NCF 2005 में पर्यावरण अध्ययन के भिन्न भिन्न उद्देश्यों की सूची दी गई है, मुख्यतः यह बच्चों में निम्नलिखित का विकास करें। तो इनमें से कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि वो उद्देश्यों की तरफ इशारा करते हैं जो बच्चों के विकास करने पर केंद्रित हैं। तो इनमें से हमें ऑप्शन मतलब चुनने हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे तो ये चुनने हैं। तो इसका आंसर आपको रहेगा सबसे पहले उपयुक्त सभी, तो यानी कि जो सारे पॉइंट दिए गए हैं, अपने पर्यावरण से ज्ञान व समझ, प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता और प्रभावित करने वाली विशेषताएं, अवलोकन, सृजनात्मक, और लास्ट का ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, लास्ट का ऑप्शन जो है। तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। तो ये तीन प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं एक तरह से, और इनके आंसर्स मैंने आपको बताए, आपको बाद में भी मैं बता दूंगा, इनको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी बताऊंगा। अभी आप समझते जाइए प्रश्नों को। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं हम, अगले जो प्रश्न है थर्ड नंबर का यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए जो आपसे प्रश्न है NCF 2005 में, ये हम कर चुके हैं। फोर्थ नंबर पर चलते हैं, माफ़ कीजिएगा, फोर्थ नंबर का जो प्रश्न है मूल्य हमारे। अब यहाँ पर ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, ये सारे ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप में बनाए जा सकते हैं, तो उनको उस हिसाब से समझिएगा। जैसे यहाँ प्रश्न दिए गए चार नंबर जो फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, मूल्य हमारे डैश व्यवहार तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पर भावात्मक, बौद्धिक और कौशल, इनमें से हमें एक चुनना है, तो भावात्मक आएगा। यहाँ मूल्य हमारे भावात्मक व्यवहार तंत्र का हिस्सा हैं, तो ये यहाँ पर प्रश्न रहेगा। और इसका उत्तर इस तरह से, इसको आप MCQ तौर पर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। इसी तरह से पांचवा है, भारतीय दर्शन में हमेशा उच्च इस मूल्य को ऊंचा रखा गया है कि पृथ्वी पर जो भी हैं एक परिवार से संबंध रखता है, इसे डैश कहते हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम इसका आंसर होगा, ये आपने सुना भी होगा, तो इसका उत्तर रहेगा। चार ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, पृथ्वी शासन पत्र, लोक समस्त्र, सुखनव बंतु और वसुदेव कुटुंबकम। तो इसका आंसर होगा वसुदेव कुटुंबकम। तो फिफ्थ का है ये फिलिंग द ब्लैंक्स रिक्त स्थान का क्वेश्चन है, ये MCQ टाइप में आपसे पूछा जा सकता है। सिक्स का है, प्रकृति के सौंदर्य की प्रशंसा एक क्या नीति है, क्या मूल्य है, सौंदर्य परक, नैतिक, धार्मिक, आर्थिक। तो यहाँ पर आएगा आंसर सौंदर्य परक, प्रकृति के सौंदर्य की प्रशंसा एक सौंदर्य परक है, मूल्य है। तो
ये था सिक्स्थ। सेवन्थ पे चलते हैं। यह पृथ्वी केवल इस पीढ़ी की ही नहीं बल्कि भविष्य आने वाली पीढ़ियों की भी है। यह समझ एक क्या है, नीति परक है, नैतिक है, धार्मिक है, सौंदर्य परक है। तो यहाँ पर नीति संबंधी है, यानी कि नीति परक है ये। तो यह समझ एक नीति परक मूल्य है। तो सातवें रिक्त स्थान का आंसर नीति परक है। इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तौर पे आप समझें तो ये इसका आंसर रहेगा। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन ये एमसीक्यू टाइप में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको इस तरह से तैयार कीजिएगा। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं जो इसके बाद के जो प्रश्न हैं। पर्यावरण अध्ययन तीन मुख्य उद्देश्यों का पालन करता है, ये हैं। यहाँ तीन ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है वो तीन, पर्यावरण सीखने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें क्या भरना है हमको। तो इसका आंसर रहेगा, देखिए पर्यावरण बारे में सीखना, पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना दूसरे का ऑप्शन रहेगा, और तीसरे का है पर्यावरण के लिए सीखना। तो पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना, इन तीनों खाली स्थानों में हम भरेंगे आबा और सामय जो दिए गए हैं। तो इस टाइप का ये प्रश्न है। नवे नंबर का जो प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र का उचित वर्णन कीजिए, आपको जो मान्य हो उस पर राइट टिक कीजिए। तो ये टिक करने का ऑप्शन है, एक चुनना है इसमें से। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र का उचित वर्णन क्या होगा, तो यहाँ जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से नाइन्थ नंबर का आंसर रहेगा कि यह बाल केंद्रित है। तो पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र एक बाल केंद्रित क्षेत्र है, जहाँ पर बच्चों पर फोकस किया जाता है। नाइन्थ नंबर का ये ऑब्जेक्टिव में आंसर रहेगा ये एमसीक्यू जो है। अब यहाँ पर ये एमसीक्यूज हमने समझ लिए। अब यहाँ दो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल्य क्या है। एक तो पर्यावरण अध्ययन में निहित मूल्यों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है जो 5, 6 या 10 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं, जो भी आपकी मार्किंग रहेगी। तो मूल्य क्या है, देखिए इसका आंसर आपको मिल जाएगा आपके ही टॉपिक में, यूनिट 2 में 505 की टॉपिक नंबर है 2.4। ये आंसर आपको दिया गया है, मूल्य क्या है, एक बॉक्स में इसको बताया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। और इसका आंसर आपको इस टॉपिक में अच्छे से मिल जाएगा, तो आप इसको देखकर ये आंसर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम के क्षेत्र की तुलना अन्य विषयों से कीजिए। तो ये थोड़ा घुमाकर पूछा गया प्रश्न है, ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा। यहाँ पर टॉपिक नंबर 2.5 जो है कोर्स 505 का, उसमें यहाँ पर इसके बारे में चर्चा की गई है NCERT 2005 के अंतर्गत कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या है। तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, उसमें जो बातें लिखी गई हैं इस आंसर में फिट बैठेंगी, तो आप वो कर लें, ये मेरा सजेशन है। तो ये आंसर आपको साथ साथ मैं बता रहा हूँ, आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो वो टॉपिक भी बता रहा हूँ। अब इतने आप समझदार हैं कि टॉपिक को देख कर उसको लिख सकते हैं। तो ये थे मिक्स क्वेश्चन, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप्स, फिल द ब्लैंक्स टाइप और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। इनको डाउनलोड करने की लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, समझिए, प्रश्नों को बनाना सीखिए, जैसे बार बार कह रहा हूँ उत्तरों को बनाना सीखिए, दिस इज़ द बेस्ट वे। तो अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रहे हैं लाइक ज़रूर कीजिए, लेक्चर्स देखते रहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी नहीं किया है, और घंटी के बटन को सभी ज़रूर दबाइए लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। थैंक यू।